अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिबर्टी चौक। मेरा नाम है सैयद अली और मेरे साथ हैं आयशा खान। आयशा कैसी हैं आज आप? बिल्कुल ठीक है सैयद। आयशा, आपके लिए मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयशा, मुझे बताएं, आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सिचुएशन से सेटिस्फाइड हैं? नॉट एट ऑल। आई थिंक द एक्सपोर्ट सिचुएशन इज़ वेरी वीक एंड दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद द एक्सचेंज रेट। इट्स एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से इशूज़ हैं जो हमारी इकॉनमी में परसिस्ट करते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन ही नहीं है, और आई थिंक उसकी भी वजह से हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। एंड आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन सम मेजर्स टू मेक इम्प्रूवमेंट्स टू आवर इंडस्ट्री। आयशा, अभी एक IMF की रिपोर्ट भी आई है, बड़ा उन्होंने क्रिटिकल रिव्यू दिया है इकॉनमी का। और आई डोंट नो वेदर अब क्योंकि गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली है, तो IMF जो है, यूजुअली गवर्नमेंट सब ख़त्म हो रही होती है, मे बी अपना एटीट्यूड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर लिया करता है, बिकॉज दे एक्सपेक्ट के शायद पेमेंट्स अपनी जो है, जो उन्हें रीपेमेंट्स होनी है वो गारंटी करें। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत सीनियर गेस्ट हैं, डॉक्टर मंजूर अहमद। डॉक्टर मंजूर अहमद जो हैं एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, ही वॉज द फॉर्मर एम्बेसडर टू द WTO रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, एंड एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ TPAC, ट्रेड एडवाइजरी कमेटी एक गवर्नमेंट ने बनाई है जिसके वो मेम्बर हैं, और नई आने वाली स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी के ऊपर डिलिब्रेशंस करेंगे बाकी कमेटी के साथ। तो इनके पास एक फर्स्ट हैंड बहुत क्लोजअप व्यू है इन सारी चीज़ों का। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। Good, very well. Thank you, Sayed. I'm happy to be here on this Liberty Show. Doctor Saab, हम आज trade policy के बारे में बात करेंगे आपसे। काफ़ी ज़रूरी ज़रूरी बातें हैं। Government तो complete focus है government का STPF 2018 के ऊपर। इस दफ़ा 5 साल का framework बनाना चाह रही है government। बड़ी एक resolve नज़र आ रही है। consultations हो रही हैं इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में। आप क्या 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 ख्याल है government की consultation process को कैसे देख रहे हैं आप? सैयद, पहली बात तो मैं ये करूँ, ट्रेड पॉलिसी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग ऑन दिस। लेकिन जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा ना, ये गवर्नमेंट की कंसल्टेशंस, आई थिंक दिस इज़ मच बेटर देन आई हैव सीन इन द पास्ट। देर बीन मोर कॉन्टैक्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विद द ट्रेड कम्युनिटी, विद द थिंक टैंक्स, and it's a much better sign than I've seen in the past. Dr. Manzoor, I'd like to ask, ye jo abhi current framework hai yani ke 2015 ka, usme aise kya masle hain jiski wajah se export aage nahi badh pa raha, aur un pe maslon ko hum next policy framework mein kaise address kar sakte hain? Baat ye hai ki Aisha, you're right, this I should say was a complete failure. I'm sorry to say use this word, but that's how the results are. जब ये इन्होंने बनाया, उस वक्त हमारी को 25 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स थी। इन्होंने कहा एटलीस्ट हम 35 बिलियन पे तो ले जाएंगे। रिजल्ट उल्टा हो गया, वो 25 से 20 21 बिलियन पहुंच गई। तो इसलिए रिजल्ट तो ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब है देयर वाज समथिंग रॉन्ग। समथिंग रॉन्ग ये है कि दे नेवर एड्रेस द बिगर इशूज़ कि क्यों नहीं हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही, बाकी दुनिया की क्यों क्यों ठीक है, हमारी क्यों ठीक नहीं है। इन्होंने जोर दिया चूँकि जी इसको सब्सिडी दे दें, वो क्या कहते हैं, दे टिंकर्ड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ बॉर्डर्स पे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये स्टिच कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो बड़े इश्यूज़ हैं वो इन्होंने एड्रेस नहीं किए। डॉक्टर साहब, बड़े इश्यूज़ हैं क्या? बड़े इश्यूज़ ये हैं कि पहले पाकिस्तान की इकॉनमी, आजकल दुनिया बेशक अभी जो ट्रंप की वजह से या ब्रेग्जिट की वजह से आपको लग रहा है कि लेकिन ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स बड़ी ग्लोबलाइजेशन हुई है, इंटीग्रेट हुई हैं इकॉनमीज। पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी इंटीग्रेट नहीं की। दूसरी बात ये हुई कि बहुत सारी ट्रेड, पुराना एक ज़माना होता था ना कि ये पूरे का पूरा कोड बनेगा या कार बनेगी या कंप्यूटर बनेगा, अब उस तरह सिस्टम नहीं है। अब ये है कि ये कॉम्पोनेंट्स इकट्ठे होते हैं, व्हाट दे कॉल इट ग्लोबल वैल्यू चेंज। कोई बंदा सिर्फ कॉलर बनाता है, कोई बंदा सिर्फ कपड़ा बनाता है, कोई बंदा बटन बनाता है, ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं फिर चीज़ बनती है। ये 70% ऑफ ट्रेड इधर शिफ्ट हो गया। पाकिस्तान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ग्लोबल चेन वैल्यू चेन। इन द अपकमिंग फ्रेमवर्क यही चेंबर्स का कहना है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा कम्पेटिटिव बनाना चाहिए, लेकिन इसको करने का क्या तरीका है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है या FDI आप अपना इम्प्रूव करें? व्हाट इज़ द मेथड, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट? ऑब्वियसली FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी क्लोजली लिंक्ड होती है विद एक्सपोर्ट्स। वो ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पड़ेगी, ये तो एस्टेब्लिश है। लेकिन वो कोई अपने हाथ में नहीं है। हाथ में कुछ है भी,
कि अगर आप फैसिलिटेट करेंगे बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो वो आके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी पाकिस्तान की डूइंग बिजनेस रैंकिंग देखें वी आर अमंग्स द वर्स्ट. आई मीन हम 10 साल पहले देखें और अभी देखें तो वी आर अमंग्स बॉटम 20% में हम आते हैं. तो एक तो वो ठीक कर हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं उसमें, क्यों हम इतना अपने रीजन के मुकाबले में भी. फॉर एग्ज़ाम्पल वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, आपका एक कंटेनर उसका सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो 700-800 डॉलर चाहिए इस वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. आपके ट्रेड फैसिलिटेशन दुनिया ने बहुत फैसिलिटेट कर दिया ट्रेड के, कंसाइनमेंट आने से पहले या जाने से पहले वो पहले से क्लियर हो जाती है. आपके कितने कितने दिन पोर्ट्स पे रुकी रहती हैं चीज़ें, आपकी टैक्स पॉलिसी बड़ी एंटी एक्सपोर्ट उसमें बायस. डॉक्टर साहब आपने अभी कहा कि FDIs भी अलाउ होने चाहिए टू एन एक्सटेंट, आपने ये भी कहा कि क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटेशन मतलब ट्रेड जो है बॉर्डर के ऊपर इम्प्रूव हमें करना चाहिए बाय रिड्यूसिंग दी ट्रांजिट फीस. मे बी हमने सीपेक के ऊपर हमने खर्चा किया है, सीपेक हमने बिल्ड किया है, ये रीजनल इंटीग्रेशन भी बढ़ा रहा है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे FDIs भी कंट्री के अंदर आ रहे हैं. आप सीपेक में पोटेंशियल देखते हो? दो बातें, पहले तो आपने कहा ना कि FDI इजाज़त होनी चाहिए, इजाज़त है, हमारा मुल्क बिल्कुल ओपन है, लेकिन उसके रास्ते में इतनी मुश्किलात हैं कि वो एक फॉरेन इन्वेस्टर को सारी दुनिया खुली है, वो देखता है कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूं, वियतनाम में करूं, बांग्लादेश में करूं, इंडिया में करूं, लेकिन जब वो यहाँ की मुश्किलात देखता है तो कहता है यार यहाँ छोड़ो मैं कहीं किसी और कंट्री में करूं. तो ओपन है, वो हमने मुश्किलात कम करनी है. ऑलरेडी बेहतर हो रही हैं, बहुत बेहतर हो रही हैं, दो साल पहले से अब बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा इम्पेक्ट आएगा. लेकिन जहाँ तक सीपेक का तलक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. दो तीन बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको बताऊँ. पहली बात तो ये है कि पहले आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सीपेक से अलावा आप देखें तो यू नो इंडिया में देख लें तो कम से कम 60-70 बिलियन साल के आ रहे हैं, हमारे 1 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रह गई है. दैट्स नथिंग फॉर ए कंट्री ऑफ दिस साइज विद अ पॉपुलेशन ऑफ यू नो 200 मिलियन प्लस, ये कुछ भी नहीं है. लेकिन अब ये सीपेक की वजह से वट एवर द फिगर मे बी प्लस 60 बिलियन एक्सपेक्ट की जा रही है ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, बट ऑलरेडी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है. उसकी वजह से एक दो तो बड़े बड़े प्रॉब्लम जो इसके मुल्क को इसकी इंडस्ट्री को इसके एक्सपोर्ट को फेस कर रहे थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एनर्जी का. यू सी के आपको इलेक्ट्रिसिटी यू नो इट पिछले 2 साल 2 घंटे आती थी, 4 घंटे जाती थी, ये सारे मुल्क का ये हालत है. अब पहले उन्होंने जितनी इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग थी वो ख़त्म कर दी, ठीक है, अभी डोमेस्टिक भी ख़त्म हो गई, तो ये एनर्जी का काफ़ी हद तक मसला हल कर दिया. पहले इसका मसला था, दूसरा गैस का मसला था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक गैस थी सुई की और ये डोमेस्टिक गैस थी, उस वजह से हम इससे बहुत डिपेंडेंट थे. लेकिन ये रिज़र्व नीचे होते गए, नए को ख़ास मिले नहीं हैं, छोटे छोटे मिले हैं, तो वो हमारी जो डिमांड और उसमें बहुत फ़र्क था. इस विद रिज़ल्ट के हम नए किसी ना डोमेस्टिक कंजम्पशन उनको कंज्यूमर को दे सकते थे ना इंडस्ट्री को, तो ये दोनों चीज़. अब गवर्नमेंट ने जब से ये इम्पोर्ट करना शुरू किया और इन्होंने लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG वो बड़ी सक्सेसफुली इन्होंने काफ़ी तेज़ी से पिछले 1-2 साल में शुरू की, अब गैस की भी लोड शेडिंग काफ़ी हद तक कम हो गई. पहले ये बड़े बड़े मसले तो दो एनर्जी का और तीसरा जो बड़ा मसला था वो हमारा ये ट्रांसपोर्ट का था, क्योंकि रोड सिस्टम रेलवे सिस्टम ये नहीं ठीक थी. अब काफ़ी हद तक रोड का सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया, रेलवे अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये सीपैक में इसका भी है कि वो होगा. सर आपने एनर्जी की बात की, आपने कहा एनर्जी का एक मसला था, शॉर्टेज थी, गैस भी उसके अंदर ही आ जाती है, एनर्जी के अंदर आ जाती है. अब चले एनर्जी हमने ओवरकम की, प्रोडक्टिविटी हमने इंक्रीज कर ली, हमारा GDP भी बढ़ गया, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स फिर भी नहीं बढ़ रहे. अब ये मतलब इससे रिजॉल्व तो नहीं हुआ हमारे एक्सपोर्ट्स में, लगता है कोई ट्रेड पॉलिसी में फंडामेंटल इशू है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी अगर जनरेट भी होती है तो वो या तो डोमेस्टिकली कंज्यूम हो जाती है या फिर हम बेच ही नहीं सकते उसको.
सही वो ये है कि एनर्जी इतना पहले रिजॉल्व नहीं हुआ, ये अभी अभी हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट ऑर्डर लेने में, चीज़ें बनाने में, मशीनरी लगने में ये टाइम लगता है, क्योंकि पहले लोगों ने इंडस्ट्री जो लगी हुई थी उसको भी बंद कर दिया था, अब नई इंडस्ट्री आएगी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि ये एक्सपोर्ट्स अभी अगर आप पिछले 5-6 महीने फिगर्स दें तो इट्स मच बेटर ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ। ये हम पहले तो हमेशा नीचे जा रहे थे, फॉर द फर्स्ट टाइम we are recovering, we are going back. That's true. And it's expected to remain the same till the end of the year. Oh, that's good news. I think I'm going to ask a very tricky trade related question. Pakistan aur India ke darmiyan trade hona chahiye, agar nahi hai to kyun nahi ho raha, why it would be expected to boost our economy to kyun nahi hai? Dr. Saab, in fact I think I would add ke India is a big market. उनके जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो उन्होंने कंज्यूम करने हैं, जो वो बनाते हैं वो हमने कंज्यूम करने हैं। आई थिंक कि हम बेनिफिट तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। रीजनल इंटीग्रेशन का एजेंडा शायद इंडिया के ट्रेड के बगैर कैसे अचीव होगा? ऐसा बिल्कुल बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। और ये रीजनल ट्रेड ना आप दुनिया में कहीं भी देख लें तो रीजनल ट्रेड किसी भी कंट्री का अबाउट 40-70% वो अपने रीजन में ट्रेड करते हैं। पाकिस्तान का less than 5% है अपने रीजन में। ना हम इंडिया से ट्रेड करते हैं, ना हम अफगानिस्तान से, ना हम ईरान से, किसी भी कंट्री नेबर से। अब मैं इंडिया पे एक मिनट आता हूँ, लेकिन मैं अफगानिस्तान की एग्जांपल देता हूँ। जब हमने ट्रेड खोला हुआ था बिल्कुल, तो हमारा ट्रेड 2 साल पहले तक ऊपर जाते आते। अब देखें 2000 में हमारा मे बी कोई 150 मिलियन था, करते करते ये 2014 में बढ़ते बढ़ते 2 बिलियन तक हो गया, काफ़ी बढ़ा। लेकिन फिर हमने बार बार बॉर्डर बंद कर देनी, पॉलिटिकल चीज़ें हुई, अब वो कम होते होते तकरीबन इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 मिलियन का होगा। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर इज गोइंग टाइम, तो रीजन की बात करो। लेकिन इंडिया के साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये हिस्टोरिक है कि यू नो पहले शुरू में जब पाकिस्तान इंडिया बना तो 70-75% बंद मार्केट इंडिया थी, और इस तरह था दोनों साइड से। लेकिन फिर वो ओवर द ईयर्स पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होती गई, कोशिश की, बीच में कई एफर्ट्स हुए, लेकिन इश्यूज़ इतने डीप हैं कि फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, उसकी वजह से रुक जाता है। अभी क्या प्रॉब्लम है? पहले तो ये था कि दोनों ट्रेड ही नहीं करते थे, एक होता है कि एक दूसरे को इक्वल स्टेटस देना, वो नहीं दे रहे थे। व्हाट दे कॉल इन WTO फॉर मोस्ट फेवर्ड, इट डज मीन दैट इंडिया बिकम मोस्ट फेवर्ड, बट उसको वही हम स्टेटस दें जो कि हम बाकी दुनिया को दे रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक रखी हुई थी कि जी सवाए ये एक लिस्ट है, एक हमने पॉजिटिव लिस्ट बनाई थी, ये चीज़ें सिर्फ आ सकती हैं इंडिया से। वो हमने 2012 में चेंज किया, हमने उस लिस्ट को हटा के हमने कहा कि हम एक नेगेटिव लिस्ट बना लेते हैं, बाकी हर चीज़ इम्पोर्टेबल है। लेकिन उसके बावजूद ट्रेड इतनी नहीं बढ़ी जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी कि 2012 में तकरीबन उन्होंने कहा जी कि हम अगले 5 साल में हमारा ट्रेड जो है ना 2 बिलियन से बढ़ के 10 बिलियन हो जाएगा, लेकिन 10 बिलियन नहीं हुआ। वजह क्या हुई कि जो मोस्ट कन्वीनियंट रूट है ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर, लैंड बॉर्डर यहाँ है, खोखरा पार पे है, तो वो हम लैंड बॉर्डर पे ट्रेड हम कहते नहीं, वो फलानी लिस्ट है वही चलेगी, तो उसमें वो थोड़े से आइटम्स हैं सिर्फ वही हम ट्रेड कर देते हैं, बाकी हम कहते हैं कि ये वाया जाए, कराची आए, फिर वहाँ से आए, वो इस तरह बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इधर अभी टाइम हुआ है एक ब्रेक का, डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद ट्रेड पॉलिसी के बारे में और ज़्यादा, और रीजनल इंटीग्रेशन के ऊपर जो गुफ्तगू चल रही है, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड, पाकिस्तान चाइना ट्रेड एंड सो ऑन। प्लीज़ आफ्टर द ब्रेक। Welcome back to Liberty Chowk, and we are discussing trade with Dr. Manzoor. Dr. Manzoor, I wanted to ask you कि हमारी जो export basket है वो बहुत ज़्यादा limited है, हम US, EU के साथ करें 40-50%, हम बाकी जगहों को क्यों नहीं target कर रहे? Wouldn't that be good for our export industry? Why aren't we focusing more on that? आशा बिल्कुल ठीक, आपने दो बातें की, एक तो ये है कि overall export basket limited है, और दूसरा हमारी export markets बड़ी limited है, तो दोनों में उसका कोई रीज़न है। देखें सब कंट्रीज़ आप कोई भी देखें, इंडिया देखें कि टर्की देखें या वियतनाम देखें, पहले ये टेक्सटाइल क्लोथिंग से शुरू करते हैं बिकॉज सिंपल, लेकिन फिर उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। पाकिस्तान ने जो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग को शुरू से पकड़ा है और उसी को लेके चल रहे हैं,
with the result ke abhi tak hamara 60-70% of our exports still is aur isme bhi kam waste isme bhi hum lower end pe hain hum yarn banate hain aur thoda fabric banate hain isme bhi matlab jis tarah bangladesh dekhe to zyada tha garments value added cheez wo bahut kam hai lekin isme I should say ki partially government policies are to blame गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह ब्लेम है कि गवर्नमेंट ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया हुआ अगर आपने यान बनाना है या कपड़ा बनाना है उसके लिए आप मशीनरी बाहर से लाएँ ज़ीरो ड्यूटी है अगर आप उसको एक्सपोर्ट करें गवर्नमेंट एक स्पेशल रिबेट देती है आपको इस तरह गवर्नमेंट ने सारी कंसेशन जो हैं इस इंडस्ट्री के लिए रख दिए अगर कोई आप कंप्यूटर या कोई आईटी का इक्विपमेंट मंगाएं जैसे कि इंडिया सॉफ्टवेयर्स की इतने एक्सपोर्ट्स कर रहा है हम अपने नेबर से क्या सीख सकते हैं ये है ना अब इंडिया से क्या सीख सकते हैं बिल्कुल आशा बिल्कुल बड़ा रीजनेबल है और ये इसका एक्सपोर्ट से हमारा भी डाइवर्सिफिकेशन से भी तल्लक है इंडिया ने अपनी इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये जितना इसका हार्डवेयर है ये शुरू में एक 97 में एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट हुआ जिसको कहते हैं WTO इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ITA ठीक है इंडिया ने शुरू में ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान आज 20 साल हो गए उस एग्रीमेंट के हर साल सोचता है हम ज्वाइन करें हम करें इस साल करेंगे अगले साल करेंगे और विद रिजल्ट के उस एग्रीमेंट ज्वाइन करने का क्या क्या फ़ायदा है कि उसमें एक लिस्ट दी हुई है कि जितने इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं वो उस पर आप टैक्स नहीं लेंगे उस पर आप इंपोर्ट टैक्स नहीं देंगे इसका मतलब है कि इसकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ेगी लोगों के पास ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे ताकि यंगस्टर्स जो है इसको अपने आइडियाज़ उस पर ट्राई कर सकें लेकिन अभी भी ऑलरेडी पाकिस्तान ये ओ डेस्क और इनके देखें तो थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट है कि वो आउटसोर्सिंग में तो ये कहीं ये नंबर वन पोजिशन ले सकता है लेकिन हमने इन चीज़ों को थोड़ा जैसा हम टैक्स कलेक्ट करने के चक्कर में 100 गुना ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं इंडिया ने 98 से वो ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान ने 2018 हुई है अभी तक वो एग्रीमेंट नहीं ज्वाइन किया डॉक्टर साहब लेकिन हो सकता है शायद हमारी कोई हमें कंपेटिटिव एडवांटेज ही ना हो आईटी प्रोडक्ट्स के अंदर हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए आपने अभी शुरू में बात की है कि हमारी गवर्नमेंट की जो ट्रेड पॉलिसी है वो प्रोटेक्शनिज्म पे बेस्ड है और शायद ओवरली प्रोटेक्टेड हमारी इंडस्ट्री है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस करके एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं ठीक है हर चीज़ आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर फोकस करें लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कितना बैकूँ के कितने टन आपको आलू एक्सपोर्ट करें या शुगर एक्सपोर्ट करें तो उसकी क्या प्राइस मिलेगी अगर आपने एक अच्छा सा ऐप बना लिया एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना लिया उसकी आपको देखें ना एस्टोनिया छोटा सा कंट्री है उन्होंने स्काइप बना लिया स्काइप बनाया बेचा उसको 15-16 बिलियन डॉलर्स कमा लिए हमारी सारी चीज़ें मिला के भी इतना नहीं होता तो ये चीज़ रिलेटिव देख दूसरा ये नहीं है कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर फोकस करें आप हर चीज़ पे इक्वल मैं कह रहा हूँ इक्वल प्लेइंग फील्ड दें आपने इधर इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया हो इनके अगेंस्ट क्या हुआ है डॉक्टर साहब इक्वल प्लेइंग फील्ड में तो फिर टैक्सेस जो हैं वो शायद सबसे फॉरमोस्ट है और टैरिफ्स भी सबसे ज्यादा फॉरमोस्ट है आपका क्या व्यू है टैक्सेस के बारे में हमारी टैक्स पॉलिसी में वीकनेसेस कहाँ कहाँ पे हैं आपकी टैक्स पॉलिसी में हर तरफ इसमें वीकनेसेस हैं वेदर यू टेक इनकम टैक्स अगर आप कॉरपोरेट टैक्स देखें तो दुनिया में अमंग्स द हाइस्ट है हमारा अगर आप सेल्स टैक्स देखें या जनरल सेल्स टैक्स देखें रेट इज अमंग्स द हाइस्ट इसी तरह आपका इम्पोर्ट टैरिफ देखें तो आप किसी भी अपने कंट्री से साथ इंडिया से किसी से वियतनाम किससे भी मुकाबला कर लें यू द हाइस्ट उससे क्या नुकसान होता है कि आपकी इनपुट इंडस्ट्री की बढ़ जाती है फिर आप कहते हैं जी हम तो उनको रिबेट देते हैं और रिबेट सिर्फ बड़े लोग ले सकते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो छोटे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज 90% तो ये होते हैं ना चीज़ें वो मार्केट से लेते हैं तो उनके लिए इनपुट बहुत ज़्यादा महंगी हैं आप देखेंगे पाकिस्तान का वैसे FBR की फिगर देख लें कि आपका टोटल टैक्स जो कलेक्ट होता है 45% ऑफ इट इज़ विद इम्पोर्ट्स रिलेटेड दैट मीन्स कि कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स विद होल्डिंग टैक्स कहीं दुनिया में ऐसा नहीं है
आप ट्रेड को ज़रा खुला छोड़ें, आप देखें किस तरह आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती है। जब भी पाकिस्तान ने थोड़ी सी रिफॉर्म्स की थी, कोई बल्कि इसी गवर्नमेंट ने 97 में शुरू की थी, लेकिन ज़्यादा इंटेंसीफाई हुई जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ का शुरू का पीरियड था 2001 to, और उसके बाद क्या हुआ, एकदम हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई। यू लुक एट द फिगर्स फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स कि हमारी एक्सपोर्ट्स हर साल तकरीबन 15-17% बढ़ रही थी और अगले 5 साल में डबल हो गई। अगर वही रेशियो रहता, हमने क्या किया 2008 में सारी पॉलिसीज हटा के हमने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और इम्पोर्ट पे हमने टैक्स बनाने शुरू कर दिए, वो एक्सपोर्ट्स जहाँ पहुँची थी 2008 में बस वहीं आके ठप हो गई हैं। अगर वो रहता हमारी अगर 15% साल की बढ़ती तो अब 10 सालों में हमारी कम से कम 80 बिलियन की एक्सपोर्ट होती इंस्टेड ऑफ दिस 20 बिलियन। डॉक्टर साहब, ये रेगुलेटरी जो ऑर्डर्स होते हैं, SROs जो होते हैं, इनको इनसे कैसे जान छुड़ाई जाए? ये एकदम से आ जाते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, कभी कभार इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, कभी कभार पॉलिसी में एक चीज़ होती नहीं है, SRO से इम्प्लीमेंट हो जाती है। हाँ, ये बहुत हमारी बदकिस्मती है। वैसे तो हमने बनाया हुआ है कि बगैर पार्लियामेंट के अप्रूवल के कोई टैक्सेस नहीं लग सकते, लेकिन ये शॉर्टकट लेके FBR कुछ करके और एक बाना लगा देते हैं कि जी लक्ज़री गुड्स को हमने रोकना है और शुरू करते हैं कुछ 2-4 लक्ज़री, वैसे नाम के लिए गाड़ियाँ तो चलो बेशक लक्ज़री हुई, लेकिन मैं कहता हूँ हर चीज़ उसमें देखें हंड्रेड ऑफ थाउजेंड हर चीज़ पे लक्ज़री। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ 3-4 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर बिक रही हैं दुनिया में, तो गाड़ियाँ इतनी सस्ती हैं प्राइस ज़्यादा महंगी है, दूसरा ये कि हमारी क्वालिटी बहुत कम है। अच्छा, दूसरा नुकसान क्या होता है, तीसरा नुकसान ये होता है कि आपकी इंडस्ट्री कभी बाहर नहीं एक्सपोर्ट करती, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा टैरिफ और लोकल प्रोटेक्टेड मार्केट है, वो कभी सोचते ही नहीं कि हम बाहर बेचें, वो कहते हैं यार यही क्यों ना बेचें। अब देखें ना, हमारा ट्रैक्टर इंडस्ट्री को नहीं प्रोटेक्शन है, लेकिन दे प्रोड्यूस वन ऑफ द चीपेस्ट ट्रैक्टर्स दुनिया में, इतना अच्छा ट्रैक्टर इतना चीप नहीं बनता उनको, क्योंकि उनको कम्पीट करना है। हमारी कार इंडस्ट्री की अनफॉर्चुनेटली उनकी इतनी लॉबी स्ट्रॉन्ग है कि अभी थोड़ा, जैसा गवर्नमेंट ने 2 साल पहले थोड़ा सा ओपन किया, इन्होंने कुछ नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई पॉलिसी इनफ्लेक्सिबिलिटी की, एकदम से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है अभी अगले 2 साल में। लेकिन अगर ये इसको कारों की इंडस्ट्री को लाइक एनी अदर इंडस्ट्री ओपन करें तो ये हमारी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ। अब यू सी अ फ्यू इयर्स अगो, आप कोई एग्जांपल ले लें टर्की की, यू नो देयर आल्सो द ऑटो इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड और बड़ी उनकी लॉबी थी, गवर्नमेंट प्रिवेल्ड, उनसे लिबरलाइज कराया। अब जो है टर्की हैज बिकम प्रोड्यूसेस मोर कार्स देन इटली, टर्की इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑटोज एंड ऑटो पार्ट्स। इसी तरह सब कंट्रीज के साथ हुए। सर, अब एक सोल्यूशन जो बैनुल अक्वामी एजेंसीज दे रही हैं अपना हमारा एक्सपोर्ट सिचुएशन बढ़ाने की, वो कहते हैं कि हमारी जो करेंसी है वो ओवर वैल्यूड है, हमने अपनी करेंसी को जकड़ के रखा हुआ है और हमारे एक्सपोर्ट्स शायद इस वजह से नहीं बढ़ रहे। एट द सेम टाइम हमारे काफ़ी लोकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये ज़रूरी है कि करेंसी को हम कंट्रोल करें, नहीं तो हमारी जो ट्रेड बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, सो टू स्पीक। आपके क्या ख्याल आते हैं इस पर? यू सी, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान स्पेसिफिक, ठीक है, यू नो, अगर आपकी करेंसी चीपर हो तो यू नो आपकी थोड़ी ये होती है कि इम्पोर्ट्स रुकती है और थोड़ी एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, ये थियोरेटिकली ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का देखें, आप एनालिसिस करें पिछले 30-40 साल, जब भी हमारी करेंसी थोड़ी स्टेबल हुई है हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, और जब भी हमने ये 2007-08 में हमने कुछ 30-40% अपनी करेंसी कम की, और पहले हमारी एक्सपोर्ट्स 15% बढ़ रही थी, उसके बाद वो नीचे होना शुरू। दूसरा ये जो करेंसी डिवेल्यूशन होता है कि ये हमें बाहर का कर्ज़ा जो है ना वो चूँकि हमने यूसी, अगर हमने $10,000 लिया तो पहले अगर आप 100 रुपये के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको उनको पे कर रहे हैं, फिर 120 रुपये होता है तो 120 रुपये, दैट मीन्स योर आपका फॉरेन बर्डन बहुत बढ़ जाता है। फिर हमारी ज़्यादातर ये जो इंडस्ट्री है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, मतलब उसमें एसेंशियल रॉ मटेरियल हैं, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ज़्यादातर ये मशीनरी वगैरह, इनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो ये करेंसी का कहना ना, और दूसरा आप अपने रीजन में देखें, वी हैव द वीकेस्ट करेंसी, हमारा एट वन टाइम विजा वी इंडिया हमारा रुपी वॉज मोर स्ट्रॉन्गर, विजा वी बांग्लादेश, विजा वी अफगान, एनी ऑफ द रीजन कंट्रीज, अब वी हैव द वीकेस्ट करेंसी इन द रीजन। अब ठीक है, आप उसको डिवेल्यू करते जाएँ,
लेकिन उससे एक्सपोर्ट्स टेम्पररी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उससे एक्सपोर्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं। आई थिंक आई एग्री विद डॉक्टर साहब, आई थिंक बहुत सी इकोनॉमीज में ऐसे चैलेंजेस हैं एंड एक्सचेंज रेट इज़ ओनली वन ऑफ देम। देयर इज हाई इनपुट कॉस्ट लाइक डॉक्टर साहब सेड, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। These are all factors that add to the export industry suffering. I mean, Dr. Saab, उसमें तो फिर ये है, जब हम अपने fundamentals economy के ठीक करेंगे तो उसमें से maybe one of the fundamentals that we need to fix is our exchange rate, के maybe we should move it closer to the market. Or do you think as a general approach, this is better? मैंने अभी explain किया है कि exchange rate से कुछ खास फर्क नहीं पड़ना आपके exports में। हाँ, आप history देख लें, आप पिछले 20 साल देख लें, आपके एक्सचेंज रेट 2001 से 2007 तक बिल्कुल कांस्टेंट रेट 60 रुपीज़ पर डॉलर, आपकी एक्सपोर्ट्स डबल होगी। उसके बाद आप देखें 2008 से पिछले 10 साल में आपका 60 रुपये से 110 रुपये डॉलर आ गया, तकरीबन 100% डिवेल्यूशन कर सके, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी आपकी। तो एक्सचेंज रेट को ओवर एम्फसाइज नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स के साथ थोड़ा सा मार्जिन फर्क पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको अपनी टैक्स पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी, आपको ग्लोबली इंटीग्रेट करना पड़ेगी पाकिस्तान इकोनॉमी। आप इतने ज़्यादा हाई टैरिफ रख के आप अपनी इंडस्ट्री को, जिस तरह आपने ऑटो इंडस्ट्री की बात की, इस इतने ज़्यादा टैरिफ रख के वो क्यों एक्सपोर्ट करेगी, उसको डोमेस्टिक, इस तरह हर चीज़ को अप्लाई करता है। डॉक्टर साहब, एक क्विक क्वेश्चन बिफोर वी गो टू अ ब्रेक, ये जो आईएमएफ की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो एट द स्टार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं और एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं, इनमें आप डिफरेंसेस देखते हैं? मैंने देखा है कि नॉर्मली जब गवर्नमेंट स्टार्ट होती है तो आईएमएफ इज़ वेरी फोर्थकमिंग और बड़े अच्छी अच्छी बातें और आप लें पैसे भी हमसे, और एट द एंड ऑफ अ गवर्नमेंट जो आईएमएफ समटाइम्स has a very harsh attitude towards the government. आपने ये अपने करियर में देखा है? नहीं, ठीक है, you may have a point, लेकिन that's another reason. Reason क्या है कि जब government, जो भी हमारी government आई पिछली, मुशर्रफ के आई या ये पीपल्स पार्टी के पहले आए या ये आए मुस्लिम लीग, शुरू में उन्होंने IMF से आते ही लोन एक नेगोशिएट करते हैं, लोन नेगोशिएट करते हैं तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, आप ये रिफॉर्म करेंगे, आप डेफिसिट कम करेंगे, फलाना करेंगे, और जब गवर्नमेंट उस चीज़ से निकल जाती है तो फिर वो थोड़ा सा उस रिफॉर्म्स की तरफ या वो डिसिप्लिन पे वो नहीं कायम रहती। तो IMF का सारे, बिकॉज वी आर ऑल मेंबर्स, मोस्ट कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ IMF, सो IMF वैसे ईयरली उनको रिव्यू करती है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। तो वो जब उनके प्रोग्राम में पाकिस्तान स्पेशली जब होता है तो ज़रा थोड़ा सा वो अपने आप पे कंट्रोल रखता है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे प्रोग्राम से निकला तो एक किस्म का वो आज़ादी हो जाती है। तो ये चीज़ें IMF क्या कहती है कि यार ये जो आपके ये जो गवर्नमेंट की स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं ये बहुत ज़्यादा लॉस कर रही हैं, आप इनको प्राइवेटाइज करें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं, तो वो हम कर नहीं पाते। और दूसरा ये होता है कि जब भी ये गवर्नमेंट का, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, एंड पीरियड होता है कि गवर्नमेंट ने अगले इलेक्शन पे नज़र होती है, तो उन्होंने ख़जाना खोलना होता है कि जितनी स्कीम्स जो हैं इसी साल में ये हो जाएं ताकि हम तो उन चीज़ों पे IMF कहती है कि आपने अपना खर्चा बहुत बढ़ा देते हैं, इनकम के हिसाब से कहीं ज़्यादा खर्च कर देते हैं। Thank you, Dr. Saab. Now we'll take another short break, and after the short break we'll discuss trade policy, aane wali trade policy ke upar aur guftagu karenge, Pakistan ki economic performance ke upar aur guftagu karenge Dr. Manzoor Ahmed ke saath. Stay tuned. वेलकम बैक टू लिबर्टी चौक। आज हमारे साथ गेस्ट डॉक्टर मंजूर के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेड पॉलिसी और पाकिस्तान की इकॉनमी के फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि टैक्स पॉलिसी जो है हमारी, उसके अंदर मेजर ओवरहॉल की ज़रूरत है, और ट्रेड पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन का एक एटीट्यूड है जो हमें शायद पीछे रख रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ने दे रहा। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में हमारी बात हुई कि हमारी इंडिया के साथ तजारत किस तरह बढ़ाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हमें एक कॉन्टेक्स्ट दीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप बिल्कुल शुरू में ही इन्वॉल्व
हो गए, तो आपके ख्याल में ये जो ट्रीटी है ये एक इफेक्टिव ट्रीटी है, इसके फवायद हैं या काफ़ी कंट्रीज जो हैं, कुछ कंट्रीज एटलीस्ट जो हैं वो हेजिटेंट हैं इससे अडहेयर करने से, और हमारी कंट्री उसमें से एक है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स नुकते हैं जिनमें हमें डर लगता है हम नहीं इंक्लूड होना चाहते. तो इज डब्ल्यू टी ओ अ गुड वे ऑफ अचीविंग ग्लोबल ट्रेड, इन्हेंसिंग ग्लोबल ट्रेड एंड इम्प्रूविंग इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो? You see, आप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि वॉट इज एग्जैक्टली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ देयर टू फैसिलिटेट इट्स मेंबर टू कंडक्ट ट्रेड ऑर्डरली मैनर. होता यह है कि किसी वक्त कोई कंट्री दूसरे पे उसको किसी वजह से उस पर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा देती है या किसी वजह से उसका ट्रेड रोकने की कोशिश करती है, तो वो कंट्री के पास एक ऑप्शन होता है कि वो जाके WTO में जाए, कंप्लेन करे उसके खिलाफ, और वहाँ पर एक न्यूट्रल सिस्टम ऑफ जजेस होगा, वो उस पर रूलिंग देगा कि किसकी गलती है. तो WTO इज़ जस्ट दिस मेंबर कंट्रीज, यू नो, इट्स नॉट इज नो अदर इंटरनेशनल, उस तरह नहीं है. ये मेंबर कंट्रीज है, मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर्स फैसला करते हैं. जो WTO के ट्रीटीज़ हैं जिसमें, उसमें सारा पाकिस्तान शामिल रहा, हर चीज़ जो होती है ना, और WTO में ज़्यादातर डिसीजन जो होती है थ्रू कंसेंसस होती हैं. ये नहीं है कि ये अमेरिका की बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो उनके कोई 100 वोट हैं, जिस तरह IMF या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में. WTO में ऑलमोस्ट हर एक का वही वोट है. तो इसलिए WTO को ब्लेम करना ठीक नहीं है, लेकिन जिन कंट्रीज़ ने उनकी पॉलिसीज़ को अपनाया और उस पर चले, तो वो उन्होंने बहुत आगे तरक्की की. इसी पहले तो छोड़ दें, पहले की बात जो शुरू में जितने कंट्री, लेकिन अभी मोर रिसेंटली पिछले 15 साल में देखें, चाइना 2001 में बना WTO का मेंबर, और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखें किस तरह ऊपर गया, क्योंकि उसकी वजह से उन्होंने रिफॉर्म्स की अपने लॉज उसके मुताबिक. मोर रिसेंटली वियतनाम ने किया. इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जिन्होंने वो फॉलो किया. अभी आप गाड़ियों की बात कर रहे थे, WTO का एक रूल आया, व्हाट दे कॉल इट, ट्रेम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. वो कहते हैं यार ये लोकलाइजेशन की पॉलिसीज और डिलीशन प्रोग्राम्स ये जो हैं कंट्री की इंडस्ट्री को हर्ट करते हैं. आपको किसी इंडस्ट्री को, फॉर एग्जांपल हमारी ऑटो इंडस्ट्री को, अगर दुनिया से कहीं से सस्ते और बेस्ट टायर्स मिलते हैं तो उनको लेने दें. इस तरह कोई उसको कोई इमिशन कंट्रोल की कोई पार्ट्स हैं, कोई लेने दें, बजाय इसके कि आप उन पर इंसिस्ट करें कि आप लोकल. इससे सारी कार की क्वालिटी ख़राब. जिन कंट्रीज़ ने वो ट्रेम्स को अपनाया, उन कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट्स तो 3 टाइम्स बढ़ गई. पाकिस्तान ने अभी तक नहीं अपनाया और पाकिस्तान की इंडस्ट्री पीछे रह गई. अभी 15 साल पहले देखें, इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री बिल्कुल पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी. एक एम्बेसडर कार बनती थी पुरानी, और अब पाकिस्तान वो फार अहेड. इंडिया ने अपना हटा दिया वो, और उनकी इंडस्ट्री अब वो दे बिकम बिग एक्सपोर्टर ऑफ कार्स. इस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हुआ, थाईलैंड वगैरह, जिन जिन लोगों ने ये ख़त्म किए और WTO के रूल्स अपनाए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए. तो इसलिए WTO को नेगेटिवली देखना मुझे नहीं लगता कि WTO की कोई फोर्स, कोई आर्मी नहीं है कि आप पे आके वो करती, अपना खुद विलिंगली करना. सर, जो मुझे समझ आई है ट्रेड पॉलिसी के बारे में, और एटलीस्ट जो कंटेम्प्रेरी काफ़ी इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमें ओपननेस की तरफ जाना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन रिमूव करनी चाहिए. जिस तरह आपने कहा कि प्रोटेक्शनिज्म जो है वही शायद हमारी इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स को किल कर रही है. और मैंने एक रिसर्च आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ रिसर्च प्राइम इंस्टीट्यूट की, उसमें भी उन्होंने एक्चुअली रिकमेंड किया था कि यूनिलैटरल लिबरलाइजेशन, और इट डजेंट मैटर कि दूसरे कंट्री के क्या रूल्स हैं क्या नहीं है, आप लिबरलाइज कर दें, आप आने दें इंपोर्ट्स और आप एक्सपोर्ट्स अपने जाने दें, और आप जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करें. तो आपके ख्याल में लाइक शुड दैट बी द अप्रोच, शुड वी मूव टूवर्ड्स ए सिस्टम? आप फॉर एग्जांपल क्या जीरो रेटेड टैक्सेस में, टैरिफ्स में बिलीव करते हैं? डू यू थिंक होनी नहीं चाहिए? नहीं, कुछ ना कुछ टैक्स तो गवर्नमेंट को चाहिए. और लेट्स बी रियलिस्टिक, इन्होंने बगैर टैक्सेस के तो बड़ा मुश्किल है. हालांकि जिन कंट्रीज़ ने टैक्सेस कम से कम किए, यूनिफॉर्म किए, उन्होंने बहुत तरक्की की. मैं ट्रेड रिलेटेड टैक्सेस की बात करता हूँ, कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एक बड़ी रेलिवेंट एग्जाम्पल है चिली की. चिली और पाकिस्तान, वो बड़ा 60s 70s में बड़ा प्रोटेक्शन पॉलिसीज थी.
फिर उनकी गवर्नमेंट आई, उसने कहा ये सारे ये जो है ना ये प्रोटेक्शन ख़त्म करके एक उन्होंने यूनिफॉर्म रेट कर दिया। उन्होंने कहा सारे इम्पोर्ट्स पे 10% टैक्स होगा और 30-40-50-80% नहीं होगा, और बाद में उसको कम करके 6% कर दिया। और उसके बाद चिली हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट कंट्री, इट्स ए मेंबर ऑफ OECD, ये 30-40 साल में हुआ। और उनकी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो पाकिस्तान से भी कम थी, अब वो 80 बिलियन, छोटा सा कंट्री है, छोटी सी पॉपुलेशन है, हम जो है वहीं के इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हैं सर। लेकिन मेरा खैर आई थिंक व्हाट द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज के ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज शायद अपने रेवेन्यूज जो हैं उनका बहुत छोटा परसेंटेज कलेक्ट करते हैं ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी के ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस डाल के या फाइंस डाल के या टैरिफ्स डाल के, और ज़्यादातर जो टैक्सेस अपने कलेक्ट करते हैं वो डोमेस्टिकली कलेक्ट करते हैं। तो हमारा मेरे ख्याल से लेकिन तकरीबन 30-40% रेवेन्यू जो है वो ट्रेड टैरिफ से इकट्ठा होता है, ये चीज़ चेंज करने को है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये और बहुत सारे इम्पोर्ट पे बहुत सारे, एक तो कस्टम ड्यूटी है ना, उसके अलावा और टैक्सेस हैं, उसके अलावा आपका वो सेस टैक्स है इम्पोर्ट्स पे, विद होल्डिंग टैक्स है, ये सारे बना के ना, तो अभी लेटेस्ट फिगर थी कल परसों में न्यूज़ में पढ़ रहा था कि 45% ऑफ वो इम्पोर्ट रिलेटेड आते हैं। इसका मतलब है कि आपने वही किल कर दिया इम्पोर्ट को, और इसी तरह एक्सपोर्ट को किल कर दिया। अब देखें कि हमारा कस्टम ड्यूटी से तकरीबन 13-13.5%, सिर्फ कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, अब हमारा कंपैरेटिवली टर्की या कुछ 1%, 1.5% इस तरह का, तो किसी कंट्री का 1-2% से ऊपर ये कस्टम ड्यूटी नहीं आता, हमारा इतना ज़्यादा। तो ये हम जब तक दूसरे कंट्रीज़ की तरह हम भी अपना रिफॉर्म नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है हमारा पढ़ना। सर आपने पहले कहा कि फ्रीलांसिंग के ऊपर हमारी कंट्री जो है इट हैज़ एन एडवांटेज, हमारे लोग जो हैं दे डू वेरी वेल, दे मेक गुड मनी। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगली जो आने वाली स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें 3 रिकमेंडेशंस दें, 3 ऐसी एरियाज़ पे फोकस करवाएं, गवर्नमेंट की तवज्जो दिलवाएं जिनसे हम एक्सपोनेंशियल गेन्स शायद कर सकते हैं मोर देन प्रोपोर्शनल, तो आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगा कि अपनी पॉलिसीज़ कुछ 4-5 सक्सेसफुल कंट्रीज लें, डेवलपिंग कंट्रीज़, उनके साथ आप उसको बेंचमार्क करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने टैरिफ्स आप देख लें, आप कोई भी ले लें, थाईलैंड ले लें, वियतनाम ले लें, कोई और 2-3 जिनके साथ आपने FTA किया, लेट्स सी, क्योंकि उसके साथ तो आप फ्री ट्रेड करना चाहते हैं ना उस कंट्री के साथ, आप वही कंट्रीज ले लें, उनके जिस तरह टैरिफ्स हैं आप अपने करें, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपका जो है ना ये ट्रेडिंग करना बड़ा मुश्किल है, जगह जगह बैरियर्स हैं, इम्पोर्ट में भी एक्सपोर्ट में भी। अभी WTO का नया एग्रीमेंट आया है, व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, सारे अच्छा, उसमें थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी उन्होंने कि आप जी जो कुछ खुद करना चाहते हैं अभी कर दें, कुछ चीज़ें आप टाइम दे दें बाद में कर दें, कुछ चीज़ें हैं कि आप कहें जी हमसे नहीं होती तो जब तक हमें कोई डोनर असिस्टेंस। अब कई कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा यार ये तो हमारे लिए अच्छा है, हम तकरीबन सारे का सारा खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं। टर्की ने कहा, मोस्टली इंडिया ने कहा कि हम कर लेते हैं, पाकिस्तान ने ये किया कि बहुत थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बाकी उन्होंने कहा कि जब बाद में कभी देखेंगे। और फिर तीसरा ये किया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रख दी हैं कि जब तक डोनर असिस्टेंस नहीं मिलेगी हम नहीं करेंगे। तो ये पाकिस्तान को अपना ट्रेड फैसिलिटेशन की तरफ जाना चाहिए, पहला ये टैरिफ्स वगैरह ठीक करें, दूसरा ट्रेड फैसिलिटेशन करें, और तीसरा जो है ना ये गवर्नमेंट में हमारे बिल्कुल साइलोस में काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के है तो ट्रेड पॉलिसी ओवरऑल वो बनाते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं है आगे उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, टैरिफ पॉलिसी किस तरह करनी है, एक्सचेंज रेट की आप बात कर रहे हैं, उसके उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को ज़रा ज़्यादा कोऑर्डिनेशन आपस में करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक पहले भी हमने बात डिस्कस की कुछ गेस्ट के साथ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो बेचारी जो है वो थोड़ी सी टूथलेस रहेगी, क्योंकि उसको हमेशा ऑपरेट करते हुए या तो FBR के थ्रू जाना पड़ता है या कस्टम्स के थ्रू जाना पड़ता है या किसी और इदारे के थ्रू जाना पड़ता है। आप के ख्याल में इसको इम्प्रूव किया जा सकता है ये जो ट्रेड रेगुलेटरी मैकेनिज्म है? कुछ कंट्रीज़ ने, फॉर एग्जांपल टर्की ने, या देखे ना 1980 में उनकी भी 3 बिलियन एक्सपोर्ट थी, हमारी भी 3 बिलियन थी, हम 3 से 20 बिलियन पहुँचे हैं, वो 3 से 150 बिलियन पहुँच गए। उन्होंने ये किया कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में यही प्रॉब्लम्स को उन्होंने एक ट्रेड का जो है ना इंटरनेशनल ट्रेड का वहाँ पर रख दिया ताकि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन वहाँ पर हो, और वो कंसिस्टेंसी एक पॉलिसी रखी।
तो इस तरह हम भी कोई इस तरह का मैकेनिज्म अडॉप्ट कर सकते हैं, बजाय इंडिपेंडेंटली वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एक स्टेप ले और इधर एफबीआर को दूसरा कर दे और ये जो भी कोई प्रोग्रेस होती है वो नलीफाई है। थैंक यू डॉक्टर साहब अपना टाइम देने का और हमें अपने आइडियाज़ के बारे में बताने का, हमारे साथ ये सारा नॉलेज शेयर करने का। आप ऐसा सुन रही है ना, डॉक्टर साहब ने क्या तजवीज़ दी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें अपनी ट्रेड रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है उसको डेफिनेटली इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रोटेक्शनिज्म से हटना पड़ेगा और साथ साथ ये कि जो द हाइस्ट ऑफिस इन द कंट्री जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसको थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है ये ट्रेड का जो इशू है ये डायरेक्टली हेड ऑफ स्टेट या एग्जीक्यूटिव हेड के अंडर हुआ करता है बिकॉज इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट इशू और साथ साथ इसमें एक ऐसी भी पोटेंशियल है, इसमें पेचीदगियाँ आने की पोटेंशियल है, गवर्नमेंट मशीनरी आउट ऑफ हैंड हो जाती है, रूल मेकिंग आउट ऑफ हैंड हो जाया करती है, इवन लॉबिंग इंटरेस्ट आ जाया करते हैं। अब गवर्नमेंट के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अप्रैल के अंदर स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी लेकर आ रही है गवर्नमेंट और आई रियली होप के वी कैन कम अप विद समथिंग गुड। आई होप द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बिकम्स मोर कॉम्पिटिटिव। वेल डेफिनेटली इंडस्ट्री इज वरिड के उनके साथ हो क्या रहा है, वो अब अपनी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव कर रहे हैं लेकिन दे वॉन्ट टू एक्सपोर्ट बट एक्सपोर्टिंग इज हार्ड and there is no denying that. So with that said, आप अगर आपके कोई questions हैं तो आप हमें लिख सकते हैं info@primeinstitute.org। अगर आपने WhatsApp पे अपने questions भेजने हैं तो आप 0333-0588-885 पे अपने questions WhatsApp कर दीजिए हमें। डॉक्टर मंजूर के लिए कोई comments हैं तो please let us know। Prime Institute की website पे जाके हमारे और भी आप different projects देख सकते हैं www.primeinstitute.org and please do follow us on Facebook, Twitter and YouTube. With that, I say goodbye and take care to our audience. Allah Hafiz.